क्या आप जानते हैं लूज मोशंस और मोशन में ब्लड आना हर समय इन्फेक्शन नहीं होता है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश पुरी है, मैं वाइस चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलरी साइंसेस मेदांता मेडिसिटी के अंदर काम करता हूँ। आज हम IBD से रिलेटेड, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। सो IBD का जो फुल फॉर्म होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, ये दो तरह की होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन या जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं वहाँ तक लिमिटेड होती है, और दूसरा जो IBD का पोर्शन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको हम क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को इन्वॉल्व कर लेती है। इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, अल्सर्स हो जाया करते हैं। सो IBD का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून, और ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा को डैमेज करती हैं। सो IBD एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। आज से करीब 20 साल पहले हम ये मानते थे जो इंटेस्टाइन में अल्सर होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होते हैं, और हर पेशेंट जिसके इंटेस्टाइन में अल्सर या मोशन के रास्ते ब्लीडिंग होता था, उनको TB की दवा दी जाती थी। बट पिछले 10-15 सालों के अंदर एडवांसमेंट से ये पता चला है कि ये TB के कीटाणु या किसी और कीटाणु की वजह से नहीं होती है, ये हमारी इंटेस्टाइन ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से इम्यून रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है इंटेस्टाइन का। जब भी कभी हमारे इंटेस्टाइन फूड पार्टिकल से या इन्फेक्शन से, तो उसमें ट्रिगरिंग ज़्यादा होती है, और ऑटोइम्यून नेचर की वजह से लोगों के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर पेशेंट जिसको लूज मोशंस आते हों और ब्लड आता हो, वो इन्फेक्शन नहीं होता है। ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगा, किसी भी पेशेंट को अगर मोशन के अंदर ब्लड आ रहा है या उसको लूज मोशंस आ रहे हैं, और अगर वो 3 से 4 सप्ताह तक रहते हैं, इसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं है। तो जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं IBD के, अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर लेते हैं, तो पेशेंट को पेट में दर्द होता है, पेशेंट को लूज मोशंस आते हैं, पेशेंट दिन में करीब 3-4 दफ़ा से लेके 10 से 15 दफ़े जाता है, पेशेंट को रात को लूज मोशंस की वजह से उठना पड़ता है, और पेशेंट के लूज मोशन के साथ में ब्लड मिक्स होता है। सो इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हैं, लूज मोशंस आना, जिसकी संख्या 3 से 10-15 हो सकती है, मोशन के साथ में ब्लड आना, और मोशन आने से पहले हल्का पेट में दर्द होना। इसी तरीके से जो क्रोन्स डिजीज़ होती है, उसके अंदर लूज मोशंस और ब्लड आ सकते हैं, बट ऐसे पेशेंट जनरली इंटेस्टाइन में रुकावट करके प्रेजेंट करते हैं, पेट में दर्द करके प्रेजेंट करते हैं। तो क्रोन्स डिजीज़ के मरीजों के अंदर पेट में दर्द होना, साथ साथ में पेट में दर्द होने के साथ में हीमोग्लोबिन की कमी होना, और मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, और कभी कभी इन पेशेंट्स के अंदर ब्लड भी आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर लूज मोशन और मोशन में ब्लड आना इन्फेक्शन नहीं होता है, हमको सबसे पहला क्लू मिलता है, पेशेंट कहता है कि मुझे बीमारी 3 सप्ताह या 4 सप्ताह से ज़्यादा है, मुझे लूज मोशन और ब्लड पिछले 4 सप्ताहों से चल रहा है। तो जब हमको ये डाउट होता है इस पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, तो अगर हमको सस्पिशन होता है पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो हम पेशेंट की कोलोनोस्कोपी करते हैं, और कोलोनोस्कोपी में हमको अल्सर्स मिलते हैं, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग मिलती है, और हम वहाँ से बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी की रिपोर्ट के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रूव हो जाती है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि IBD का जो दूसरा फॉर्म होता है, जिसको हम क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, जो छोटी इंटेस्टाइन और बड़ी इंटेस्टाइन किसी को भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो जनरली अमूमन तौर पर हम पेशेंट का पहले CT स्कैन और MRI करते हैं, उससे हमको ये पता चलता है कि इंटेस्टाइन का कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है। अगर पेशेंट ने स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व किया है, तो हम डीप एंडोस्कोपी करते हैं मुंह के रास्ते, या पेशेंट की अगर लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, तो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, हम उसकी बायोप्सी ले लेते हैं। बट क्रोन्स डिजीज़ के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ट्यूबरकुलोसिस से कई बार सिमिलर होती है, और डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है कि हम इसको ये देखें कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या क्रोन्स है। तो पेशेंट के कुछ और टेस्ट होते हैं जो हमको डिसाइड करते हैं कि हम इंटेस्टाइन की TB को डील कर रहे हैं या क्रोन्स डिजीज़ को डील कर रहे हैं, उसके बेसिस पे
इसी तरीके से सीटी स्कैन और एमआरआई भी कुछ हिंट देते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या क्रोन्स डिजीज़ है। एक बार क्रोन्स डिजीज़ का डायग्नोसिस प्रूव हो जाता है, उसके बाद में हम इन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सो आईबीडी के इलाज के लिए मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट और क्रोन्स डिजीज का ट्रीटमेंट। पहले हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट का। तो इसमें दो या तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती है कि बीमारी की सीवियरिटी क्या है, सीवियरिटी देखने के लिए पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स और कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट डिसाइड करती है, और इस डिजीज़ का एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट का मतलब क्या, इसने सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन जिसको हम रेक्टम और सिग्मॉइड कहते हैं उसको इन्वॉल्व किया है या पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व किया है। तो अगर बीमारी सीवियर नहीं है और इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन जिसको रेक्टम और सिग्मॉइड कहते हैं उसी को इन्वॉल्व किया है, तो हम लोग पेशेंट को एनिमास देते हैं। 5-ASA ड्रग आती हैं या स्टीरॉइड्स एनिमा आते हैं, पेशेंट को एनिमा दिए जाते हैं और पेशेंट को उससे आराम आ जाता है। अगर पेशेंट को एनिमास 4 से 6 सप्ताह देने के बाद आराम नहीं आता तो हम मुंह से खाने वाली गोलियां देते हैं, वही 5-ASA होती हैं। जिन पेशेंट को डिजीज़ काफ़ी फैली हुई होती है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है या सीवियर डिजीज़ होती है, तो इन पेशेंट्स को हमको इंडक्शन करना पड़ता है। इंडक्शन का मतलब हमको ट्रीटमेंट को स्टीरॉयड के फॉर्म में देना पड़ता है, और हम स्टीरॉयड जनरली टेपरिंग डोजेस के अंदर 2 से 3 महीने के लिए देते हैं, और जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है तो पेशेंट को 5-ASA ड्रग लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग रहती है, पेशेंट को हर समय फील करता है मुझे दवाई लेनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, तो कई बार लोग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, और जनरली अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में लोगों को स्टीरॉयड दिए जाते हैं। स्टीरॉयड जैसा मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने तक दिए जाएँ तो ये जीवन देने वाली दवा है, बट अगर यही स्टीरॉयड लंबे समय तक लिए जाएँ तो ये जानलेवा होती है, ये लोगों की बोन कमज़ोर कर देती है, लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ पैदा करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे आपको राइट ट्रीटमेंट दिया जा सके, डिपेंडिंग अपॉन बीमारी आपकी कहाँ तक है और कितनी सीवियर है। इसी तरीके से हम क्रोन्स डिजीज़ की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रोन्स डिजीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को इन्वॉल्व करती है, तो पहले तो सीटी स्कैन और एमआरआई से हमको इसका आइडिया लगता है, उस बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि हमको पेशेंट की कोलोनोस्कोपी करनी है या डीप एंडोस्कोपी मुँह के रास्ते करनी है, वहाँ तक पहुँच के हम वापस बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी से हमको क्रोन्स के बारे में पता चलता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कई बार क्रोन्स डिजीज़ को हम ट्यूबरकुलोसिस से कन्फ्यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है या क्रोन्स। जैसा मैंने आपको बताया, क्रोन्स लाइफ लॉन्ग होती है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ही इंटेस्टाइन है, हम उसको नैरो होने से बचाना चाहते हैं। तो आज की तारीख में 2023 के अंदर इन पेशेंट्स को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि इससे हम इंटेस्टाइन को हेल्दी बना सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। आज की तारीख में 2023 के अंदर ये नोशन है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो उसके सिर्फ सिम्टम्स ठीक नहीं होने चाहिए, उसकी इंटेस्टाइन एंडोस्कोपी में नॉर्मल दिखनी चाहिए, बायोप्सी में नॉर्मल दिखनी चाहिए। तो क्रोन्स डिजीज़ के पेशेंट्स, क्योंकि स्ट्रिक्चरिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम बायोलॉजिकल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर धीमे धीमे टेपर डाउन करते हैं। सो इन दोनों बीमारियों का ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ड्रग्स मोर और लेस सेम हैं, बट किस दवा को किस समय स्टार्ट करना है ये डॉक्टर की कंसल्टेशन से करना चाहिए। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये हो जाती है, अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करके, बिकॉज आईबीडी एक सिस्टमिक डिजीज़ है। इसमें न सिर्फ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, बॉडी के और भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और इसको नहीं ट्रीट करने से काफ़ी सारे ऑर्गन्स और इंटेस्टाइन खुद के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। लंबे समय में 10 साल बाद आईबीडी के पेशेंट में कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो हम किस चीज़ से बच सकते हैं?
आईबीडी से नहीं बचा जा सकता खान पान से, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से हम जो आईबीडी की कॉम्प्लिकेशंस होती है, प्रॉपर डॉक्टर से सर्वेलेंस करके आईबीडी से रिलेटेड जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कैंसर होने का डर रहता है, उन चीज़ों से डेफिनेटली हम बचा जा सकता है अगर हम रेगुलर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर के रेगुलर टच में रहें, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं।